हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू maths.com। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। रैशनल नंबर थे कुछ टर्मिनेटिंग फॉर्म में एंड कुछ नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो पार्ट हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में थे हमें उसका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। कौन कौन से पार्ट टर्मिनेटिंग में आए थे? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ एंड नाइन्थ। आगे हमारा पार्ट नंबर 1, 13/3125। सबसे पहले हम कर लेते हैं डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट में भी की थी, क्या आई थी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन? 5×5×5×5×5। अगर ना क्लियर है तो इधर देख लो, 3×1=5, 5×6=30, remainder 1=12 बन जाएगा यहाँ पे, 5×2=10, remainder 2=5×5=25, 5×1=5, remainder 1=5×2=10, remainder 2=5×5=25, 5×2=10, remainder 2=5×5=25, 5×5=25 एंड 5×1=5। इसको कैसे लिख सकते हो आप? 13/5⁵। आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन में हम तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा हो, 2×5 का पेयर। मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2⁵ के साथ इसको, देन वी गेट 13/5⁵ इंटू 2⁵ अपॉन 2⁵। तो हमें पेयरिंग मिल गई 5×2 की। कैसे लिख सकते हैं अभी हम इसको? 13×2⁵ हमें पता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया? 2×4, 4×8, 8×16, 16×32। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म में दिख रहा है? a⁻ इंटू b⁻, मतलब हमारी पावर सेम है और बेसिस अलग है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आ जाती है? बेस का कर देते हैं हम प्रोडक्ट, ab⁻ हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5×5×2⁵ इज इक्वल टू 13×32 अपॉन 5×2 कितना हो जाएगा? 10⁵ इज इक्वल टू 13×32 कितना आ जाता है हमारा? 416 अपॉन 10⁵, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कितने के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा? 5 के बाद, 4, 1, 6, 0, 0 पॉइंट। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0.00416। तो अवर नेक्स्ट पार्ट इज 17/8। कर लेते हैं हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन। 17/2×2×2 आ जाएगा। तो ये हमें किस फॉर्म में मिला है? 17/2⁴। हमें डिनोमिनेटर में चाहिए था 2×n इंटू 5×m। उस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5×3। क्या मिल जाएगा हमें? इज इक्वल टू 17/2⁴ इंटू 5×3 अपॉन 5×3। डिनोमिनेटर किस फॉर्म में बन रहा है हमारा? a⁻ इंटू b⁻। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी? बेस के कर देते हैं हम प्रोडक्ट, a⁻ 17 × 5⁴ अपॉन 2³ इंटू 5³। क्या हो जाएगा आपका? 3 इज इक्वल टू 17×5³ कितना होता है हमारा? 5×5=25 कितना होता है? 125 अपॉन 5×2=10⁴। 2125 अपॉन 1, 2, 3। तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा हमारा? 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1, 2, 3। तो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। सो हमारा थर्ड पार्ट था नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? 15/1600। इसकी क्या करेंगे हम? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 2×8=16, 0, 0, 2×4=8, 0, 0, 2×2=, सीधा ही देख लो, 200 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 400, 100, 225, 225 एंड 5×1। इसको क्या लिख लोगे आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 कितनी बार आ रहा है आपका? 6 बार।
और आ रहा है पांच दो बार। हम इधर ही पहले क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं किसकी, ऊपर 15 रखना न्यूमिनेटर में, 2x5 की पेयरिंग कर लेते हैं। क्या हो जाएगी हमारी, 4 2 मैं एक साइड रखती हूँ इंटू 2x5 और 2x5, ये हमारे पास 4 2 थे तो आ जाएगा हमारा 2^4 × 10 × 10 इज इक्वल टू 15/2^4। इस 10 को हम 10^2 भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ कर देंगे, बाय 5^4। वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, इधर क्या था हमारा 15/1600 15/2^4 × 10^2 × 5^4 / 5^4 इज इक्वल टू 15 × 5^4 कितना होता है हमारा, 5 5 25 25 × 25 कितना होता है 625/2^4 क्या आ जाएगा हमारा। इसको तो अभी हमने मल्टीप्लाई करना नहीं है, हमें यहाँ पे 5 और 2 का पेयर मिल रहा है जो हमने आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड वहाँ से आ जाएगा। इफ पावर्स आर सेम बेसिस आर सब्ट्रैक्टेड इंटू 10^2 इज इक्वल टू 15 × 625/10^4 × 10^2 इज इक्वल टू 625 × 15 कितना होता है हमारा इतना, और 10^4 1 2 3 4 10^2 मतलब 100, कितने जीरो हो गए हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 9 3 7 5/1 2 3 4 5 6। तो हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 6 के बाद 9 3 7 5, यहाँ पे हमारे 4 ही डिजिट हैं। 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2 जीरो लगा देंगे, बन गया ना 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गई आपकी डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, 23/2^3 × 5^2। हमें पता है डिनोमिनेटर में हमें पावर्स सेम चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी थी 2^3 और यहाँ पे कितनी है 2। बना लेते हैं हम सेम पावर, कैसे बनाएंगे, 5^2 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर लेंगे, हो जाएगा हमारा पावर सेम 5 की, 23 × 5/2^3 × हमें पता है बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, 5^3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, 23 × 5 कितना होता है हमारा 115/2^3 × 5^3। पावर सेम है और बेस अलग है, तो हम बेस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 115/5 × 10^3 इज इक्वल टू 115/10^3 कितना हो जाएगा हमारा 30 इज इक्वल टू 3 के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3, तो 0.115 क्या आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट 7th पार्ट था जो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग था, 8th कर लेते हैं, 6/15 है, अगर इसको आप काटोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों किसके टेबल में आते हैं आपके 3 के टेबल में, 3 2 6 एंड 3 5 15, 2/5। डिनोमिनेटर में आपको क्या फॉर्म चाहिए थी, 2^n × 5^m, यहाँ पे आपको 5^m तो दिख रहा है लेकिन 2^n नहीं दिख रहा, तो कर लेते हैं क्या करेंगे हम इसके लिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2^, अगर 5^1 है तो 2^1 ही चाहिए हमें, वी गेट क्या आ जाएगा हमारा 2/5 × 2^1 × 2^1 इज इक्वल टू 2 × 2/5 × 10 इज इक्वल टू 4/10। अगर 10 है यहाँ पे, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगी हमें हमारी, यहाँ पे मुझे कितने डिजिट के बाद जीरो पॉइंट लगाना है, 1 के बाद 0.4 आ जाएगी आपकी एक्सपेंशन किसकी, डेसिमल एक्सपेंशन 6/15 की। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 9th, 35/50, तो कर लेते हैं इसकी भी 35/50 की क्या आ जाएगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन, कर लेते हैं यहाँ पे 2 25 5 5 25 एंड 5 1 5, 2×5×5 इज इक्वल टू 35/2 × 5^2। आपको क्या चाहिए था, पावर्स सेम होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, 2^4 कितना दिख रहा है 1 और 5^4 कितना दिख रहा है 2, कैसे बनाऊंगी मैं इसको, 2^1 × 5^2 ×
मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे किसके साथ, 2 रेस्ट पावर 1 के साथ, इक्वल टू 35 इंटू 2 अपॉन 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 2। 35 इंटू 2 कितना होता है 70, 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 2, मतलब पावर आपकी सेम है और बेसिस अलग अलग हैं, तो बेस को क्या कर सकते हो आप, प्रोडक्ट 17 अपॉन 5 टू 10 रेस्ट पावर 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 100। तो कितने के बाद आपको पॉइंट लग जाएगा, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.70 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट था आपका 10th, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।